क्लास आज आपण मराठी पाहणार आहोत. चला तर पाहूया मराठी मध्ये काय आहे धडा 21वा बस स्थानक. ठीक आहे, बस स्थानक म्हणजे काय सांगा मला. बस स्थानक म्हणजे बस स्टॉप. तुम्ही पाहिलं असेल बस स्टॉप, आप लोगों ने देखा होगा बस स्टॉप, जहां पे आप लोग जाते हो बस पकड़ने, गांव की बस पकड़ने हम लोग जाते हैं. तो वहां पे आप लोग गए होंगे, तो वहां पे क्या-क्या दिखाई देता है वो आप लोगों को बताना है. देखो इसमें भी वही बताया है. हां, क्या-क्या हम लोग देखते हैं वहां पे जाके, बहुत सारी बसेस खड़ी होती है, फिर वहां पे दुकानें होती है, फ्रूट्स की दुकानें होती है, वेजिटेबल्स की दुकानें होती है, टिकट काउंटर होता है, और क्या होते किताबों की दुकान होती है, और होटल्स होते हैं. देखो यहां पे बताया है उपहार गृह. उपहार गृह मतलब होटल है ना, और पुस्तकालय की दुकान मतलब जो हम लोग बुक रीड करते हैं उसकी दुकान होती है. बाद में फलों की दुकान दिखाया है, फेरी वाले मतलब जो आते हैं हमारे दरवाजे में टोकरी लेके फल फ्रूट बेचने, उसको क्या कहते हैं फेरी वाले. ठीक है, और आगे क्या बताया है, चालक. चालक मतलब कौन, ड्राइवर, और वाहक. वाहक मतलब कंडक्टर, ये होते हैं और हम लोग वहां पे देखते हैं. इसके अलावा आप लोग क्या देखते हो वो आपको देखना है और आप लोगों को बताना है. यहाँ पे चौकशी कक्ष मतलब इंक्वायरी काउंटर भी बताया है, आरक्षण कक्ष मतलब वेटिंग रूम बताया है, और क्या बताया है, ध्वनि निरपेक्ष मतलब अनाउंसमेंट होता है कि ये गाड़ी अभी छूटने वाली है, वो भी वहाँ पे आपने बड़ा सा लाउड स्पीकर देखा होगा. इसके अलावा आप लोग क्या देखते हो नया, वो आप लोगों को देखना है और आप लोगों को फैमिली या फ्रेंड्स को बताना है. ठीक है, थैंक यू, बाय.